मैं भी जांगला स्वागत करता हूं आप सभी का। स्वागत है आपका आज के इस YouTube सेशन में। आज की जो हमारी क्लास है, इस क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स। ठीक है, मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स का जो ये सब्जेक्ट है वो MCOM के कोर्स में भी है और जो MBA का कोर्स है उसके अंदर भी है, है ना। लेकिन जो सिलेबस है वो दोनों का कॉमन है, तो बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं है। ठीक है, तो जो आप इसमें जो भी व्यूअर देख रहा है तो ये दोनों के लिए फेवरेबल होगा, है ना, चाहे वो MCOM का स्टूडेंट हो या फिर वो MBA का हो। ठीक है, दोनों के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का हमारा सब्जेक्ट है ये पूरा का पूरा आपका कॉन्सेप्चुअल है। ठीक है, सारा का सारा आपका जो कंटेंट है इसके अंदर वो सारा कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं आपकी। ठीक है, डायरेक्ट चीज़ें नहीं आएंगी, थोड़ा सा घुमा के, मतलब कि थोड़ा सा ट्विस्ट करके यहाँ पर आपसे टॉपिक जो है वो पूछे जाएंगे। इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ आपकी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज को चेक करता है। ये आपको बताता है कि भी आप किस तरह से अपनी नॉलेज को मॉडिफाई कर रहे हो, है ना। रटाफिकेशन यहाँ पर वर्क नहीं करेगी। ठीक है, काम जो है वो क्या होता है कि भी हमें मैक्सिमम फोकस कॉन्सेप्ट के ऊपर करना होगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट नहीं आते, इनडायरेक्ट आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स में अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर आपके चार ब्लॉक्स आते हैं। ठीक है, आपके चार कंप्लीट ब्लॉक हैं जो मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स के आएंगे, और उन चारों ब्लॉक्स के अंदर अलग अलग यूनिट हैं जिसके बारे में हम लोग वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके के कॉन्सेप्ट या क्वेश्चन जो है वो यहाँ से एग्जामिनर बना सकता है। ठीक है, देखो जो सबसे पहला आपका यूनिट है अभी, ये आपका मीनिंग के ऊपर आता है कि जैसे सबसे पहले तो मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स जो है इसका थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपने अच्छे से पढ़ना है कि जो मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स होती है इसका मीनिंग क्या है, है ना, इसका नेचर क्या है और इसका स्कोप क्या है। क्लियर, काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है फर्स्ट, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, यूनिट फर्स्ट एंड सेकंड इन दोनों में से एक क्वेश्चन आप मान के चलो कि आएगा ही आएगा। क्लियर, नेचर एंड स्कोप ऑफ मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स, सबसे पहला क्वेश्चन आपका यही बनेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स, आल्सो एलैबोरेट इट्स नेचर एंड स्कोप। ठीक है, कि इसका नेचर क्या है और इसके अंदर क्या क्या स्कोप आएगा, किन किन चीज़ों को हम इसके अंदर इंक्लूड जो है वो करते हैं, ये क्वेश्चन आपका बनेगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है आपका कि एप्लीकेशन ऑफ मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स, दूसरा क्वेश्चन आपका बनेगा कि व्हाट इज़ द एप्लीकेशन, जो आपका मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स है ना इसकी एप्लीकेशन कहाँ पर है, कहाँ पर ये एप्लीकेबल होता है, कौन कौन सी जगह ये एप्लीकेबल होगा, इसके बारे में हम बात करेंगे, है ना। तो दो क्वेश्चन हुए आपके, सबसे पहला क्वेश्चन है कि मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स क्या होती है, इसका नेचर एंड स्कोप। दूसरा क्वेश्चन आपका ये बन जाएगा कि जो मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स है उसकी डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस के अंदर क्या एप्लीकेशन है। ठीक है, तीसरा जो आपका क्वेश्चन बनता है वो बनेगा माइक्रो एंड मैक्रो। ठीक है, कैटेगरी माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, दोनों की एप्लीकेशन और उनका डिफरेंस। ठीक है, बस ये आपके तीन मेन मेन टॉपिक हैं जो यूनिट नंबर वन से बनेंगे। आई होप सो क्लियर होंगे। उसके बाद जो यूनिट नंबर टू है इसमें आपका मेन क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के ऊपर बनता है कि जो मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, है ना। तो ऑब्जेक्टिव को बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने पढ़ना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ऑब्जेक्टिव्स का। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फर्म, यानी कोई भी अगर फर्म है तो वो फर्म का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, वाई वी नीड, है ना, उस फर्म के ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, इसके ऊपर ये आपका क्वेश्चन बनेगा। क्लियर, एंड इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन जो बनता है स्टेजेस ऑफ एक ऑपरेशन ऑफ मैनेजमेंट, कि जो मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स होती है उसके अंदर किस तरह की ऑपरेशनल एक्टिविटी परफॉर्म होंगी, उन एक्टिविटी का हमारा स्टेप्स क्या होते हैं, स्टेप नंबर वन क्या है, स्टेप टू क्या है, स्टेप थ्री क्या है, एंड सो ऑन, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका बनता है मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स का,
इसको आपने बेहतरीन तरीके से जो है वो करना है, आप इसको स्किप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यूनिट नंबर 3 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मेन क्वेश्चन आपका बनता है कि जो मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स है इसका डिसीजन मेकिंग में क्या रोल है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स इन द डिसीजन मेकिंग। कि एक जो फर्म है वो अपने डिसीजंस को ले रही है तो वो डिसीजन मेकिंग करते हुए मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स कैसे हेल्पफुल है, वो कैसे हमारी मदद जो है वो कर रही है। इसके अलावा टेक्निक ऑफ डिसीजन मेकिंग दूसरा क्वेश्चन है आपका कि व्हाट आर द डिफरेंट टेक्निक यूज्ड इन डिसीजन मेकिंग। कि जो डिसीजन मेकिंग होती है उसके अंदर हम कौन कौन सी टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन से हमारे मेथड हैं या तरीके हैं जिससे हम इसको यूज़ करेंगे, ठीक है, क्लियर है। चलिए तो ब्लॉक नंबर 1 आपको समझ आया होगा ऐसी मैं उम्मीद रख रहा हूँ। उसके बाद ब्लॉक 2 आपका डिमांड एंड रेवेन्यू से है और डिमांड से वही आपके बेसिक क्वेश्चन क्या बनते हैं, डिमांड से क्वेश्चन बनता है लॉ ऑफ डिमांड के ऊपर कि लॉ ऑफ डिमांड क्या है, उसकी एप्लीकेशन एंड अजम्पशन, राइट, विद टेबल एंड डायग्राम आपको अच्छे से पता होना चाहिए लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। या फिर क्वेश्चन आपका बनेगा कि वाई द डिमांड कर्व इज़ स्लोप डाउनवर्ड, कि जो डिमांड कर्व है उसका स्लोप डाउनवर्ड क्यों होता है, उसके पीछे क्या क्या रीजन होते हैं, है ना। तो एप्लीकेशन आपको बतानी है कि वाई द लो ऑफ डिमांड या डिमांड कर्व जो है हमारा उसका स्लोप डाउनवर्ड क्यों है, है ना, इसका रीजन आप बताएंगे। इसके बाद क्वेश्चन आपका बनता है डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड, ठीक है। इंडिविजुअल डिमांड अगर है तो उस केस में कौन से डिटर्मिनेंट है, और अगर मार्केट डिमांड है तो वहाँ पर डिटर्मिनेंट कौन से हैं, तो दोनों अच्छे से आपने पढ़ने हैं, क्वेश्चन आपका बनेगा, ठीक है। तीनों क्वेश्चन क्लियर हुए इसके, और थोड़ा सा आप इसमें कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सटेंशन को देख सकते हो, मे बी हो सकता है पूछ ले शॉर्ट नोट वगैरह में या डिफरेंस बना करके दे दे, क्लियर। इसके अलावा आपका क्वेश्चन बनता है ऑल द मेथड्स फॉर द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि जो आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसके मेथड कौन कौन से हैं, चाहे वो प्राइस इलास्टिसिटी है, चाहे वो इनकम इलास्टिसिटी है, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी है या एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, सारे के सारे मेथड आपको अच्छे से आने चाहिए। क्या एग्जामिनर क्या करता है, सेपरेटली क्वेश्चन दे देता है, मान लो क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पर क्वेश्चन दे दिया या इनकम इलास्टिसिटी पर दे दिया, तो आपने हर एक तरीके से इसको रिव्यू करना है बढ़िया तरह, तभी आप इसको लिख पाएंगे। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या फिर डिमांड, दोनों में से एक ही क्वेश्चन बनेगा, या तो इलास्टिसिटी से पूछ लेगा या फिर सिंगल जो डिमांड फंक्शन है वहाँ से पूछ लेगा, बट आपने दोनों को अच्छे से करना है, ठीक है। उसके बाद मेथड ऑफ डिमांड फॉरकास्टिंग, ठीक है, कि जो डिमांड फॉरकास्टिंग है उसके मेथड क्या क्या है, ये क्वेश्चन आपका बनता है अगली जो यूनिट है, ठीक है। डिमांड फॉरकास्टिंग की टेक्निक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्लियर है भाई, सारे कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे ऐसी मैं उम्मीद रख रहा हूँ। अच्छा, इसके बाद प्रोडक्शन में आपके दो क्वेश्चन बनते हैं, एक तो आपका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है, है ना, मेन क्वेश्चन कि जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है उसकी एप्लीकेशन कहाँ पर है, कहाँ पे वो यूज हो रहा है। दूसरा क्वेश्चन आपका रिटर्न टू स्केल का है कि लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल लाइक इंक्रीजिंग रिटर्न, डिक्रीजिंग रिटर्न एंड कॉन्स्टेंट रिटर्न, तीनों आपको पता होने चाहिए, इनके विद टेबल एंड डायग्राम आप अच्छे से करिएगा, क्लियर है। क्वेश्चन आपका इससे बनेगा प्रोडक्शन से, प्रोडक्शन में आपके दो लो हैं, एक आपका वेरिएबल प्रोपोर्शन है और एक आपका रिटर्न टू स्केल है, तो ये अच्छे से पढ़ लीजिए। या फिर इसके अलावा आपका क्वेश्चन बन जाएगा प्रोडक्शन फंक्शन, यानी प्रोडक्शन के इनपुट कौन कौन से होते हैं, है ना, तो इसलिए आपको ये वाला कॉन्सेप्ट करना है इस तरह से, क्लियर है सभी को। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं प्रोडक्शन में तो इसमें शॉर्ट टर्म वेरिएबल कौन से हैं और लॉन्ग टर्म वेरिएबल कौन से हैं, क्वेश्चन आपका बनता है कि शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन दोनों में क्या डिफरेंस है। अगर हम शॉर्ट रन की बात करते हैं या फिर लॉन्ग रन की बात करते हैं तो दोनों में क्या डिफरेंस है,
ठीक है, ये क्वेश्चन आपका बनेगा। इसके अलावा क्वेश्चन हमारा बनता है इसमें कॉस्ट फंक्शन पे, तो कॉस्ट में आपके रिलेशनशिप आएंगे सारे, उनको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, आपका जो रिलेशनशिप दिए हुए हैं शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन या लॉन्ग रन कॉस्ट फंक्शन, तो इसको आपने पढ़ लेना है। क्लियर, समझ आया? इसके अलावा कॉस्ट फंक्शन की मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में एप्लीकेशन क्या है, और ज़्यादातर आपसे लॉन्ग रन कॉस्ट फंक्शन के बारे में क्वेश्चन जो है वो बन सकता है कि लॉन्ग रन कॉस्ट फंक्शन की एप्लीकेशन क्या हो सकती है, ये क्वेश्चन आपका बनेगा। ठीक है जी, क्लियर है ये सब? अच्छा, इसके अलावा ब्लॉक नंबर 4 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हमारे सारे के सारे मार्केट स्ट्रक्चर हैं, चाहे वो परफेक्ट कॉम्पिटिशन है या मोनोपोली है, ठीक है, या मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन है। ठीक है, ठीक है, जितने भी हमारे यहाँ पर आपके मार्केट स्ट्रक्चर दिए हुए हैं उन सारे मार्केट स्ट्रक्चर के आपने कैरेक्टरिस्टिक्स जरूर पढ़ने हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर, जितने भी मार्केट हैं सबके कैरेक्टरिस्टिक्स बढ़िया तरह पढ़ो। और दूसरा क्वेश्चन आपका है प्राइस डिटर्मिनेशन का, ठीक है, कि पूछ लेगा परफेक्ट कॉम्पिटिशन में प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे होगा, मोनोपोली में कैसे होता है, ओलिगोपोली में कैसे होता है, या मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में कैसे होगा, तो ऐसे करके आपका एग्ज़ाम जो है वो क्वेश्चन पूछेगा। क्लियर है, समझ में आ रही है बातें? ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर में आपने यही चीज़ें पढ़नी है, या तो वो डायरेक्टली आपसे कैरेक्टरिस्टिक्स पूछेगा या फिर उसके डिफरेंस बना करके क्वेश्चन दे देगा। क्वेश्चन पूछने का देखो मेथड कुछ भी हो, आपने तैयारी अपनी रखनी है ना, कंट्रोल है आपके सारे की सारी चीज़ें अगर आप इस तरह से कर रहे हैं। इसके अलावा है प्राइसिंग मेथड, एक क्वेश्चन आपका प्राइसिंग मेथड का बन जाएगा कि भाई डिफरेंट डिफरेंट प्राइसिंग मेथड कौन से हैं जो एक कंपनी या एक फर्म यूज़ करती है टू डिटरमाइन द प्राइस, है ना, प्राइस कैसे डिटरमाइन होगा, उसके डिफरेंट मेथड कौन कौन से हैं, ये भी क्वेश्चन बन जाएगा। क्लियर है? आई होप सो क्लियर होगा। तो ये सारे आपने टॉपिक हैं जो रिवाइज करके जाने हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज डिफरेंट मिल सकती है बट टॉपिक आपके इनके आसपास ही घूमेंगे। क्लियर है? तो इन टॉपिक को जो जो मैंने बताए हैं एक लिस्ट तैयार कर लेना और फिर अपने नोट्स में से स्टडी मटेरियल में से पढ़ के आपने जाना है। ठीक है, चलिए, तो ये था मेरा आज का सेशन जिसमें मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के बारे में हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया, और उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। जहाँ भी कोई दिक्कत है तो आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मेरे आपको सोशल मीडिया लिंक डिस्क्रिप्शन से मिल जाएंगे, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो आज के लिए सेशन को यहीं पर एंड करते हैं, बाकी मिलेंगे आपसे कल के सेशन के साथ। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू सो मच। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आपको हर एक क्लास की नोटिफिकेशन जाए। चलिए।